Today we have got a localization expert, Krishna Kumar Maurya from CDAC Pune, and he has been associated with our success and our project for a very long time. Before we start, I would like to tell you about two facts that everyone knows, that India is a multilingual country and we are living in a digital era. Now, thing is that we need to use ICT tools, computer and internet in our local language to derive maximum benefit out of these tools. So we thought that how to bridge this gap. And we also kept in mind that there are large segment of population in India who are very poor and can't afford pricey softwares. So we set up an agenda for ourselves and we selected few prime open source softwares and we collected them, we localized them and we put them in the form of a CD, and you can have a look that this collection of softwares has been made available in this format. And we will tell you in detail about the softwares which are contained in this CD. Namaskar sir. Is CD mein diye gaye software ko teen category mein divide kiya gaya hai. Sabse pehle hai desktop tool. Desktop tool mein jo softwares hain wo daily using ke customer ke users ko daily use karne ke hisab se jo apni bhasha mein zaruratein hoti hain unke liye hain. Isme Unicode compliant keyboard driver hai, but पर्टिकुलर भाषा के फॉन्ट हैं और उनकी भाषा में लोकलाइज लिब्रे ऑफिस है. यहाँ पे जैसे आपने ये सीडी दिखाई, ये हिंदी की सीडी है. ऐसे ही हमने 22 भारतीय भाषाओं में जो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं उनके लिए इस तरीके की सीडी बनाई हुई है. उसमें डेस्कटॉप सारे सॉफ्टवेयर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, डेस्कटॉप टूल, इंटरनेट टूल्स और अदर यूटिलिटीज़. डेस्कटॉप टूल के अंदर हमने तीन सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, कीबोर्ड ड्राइवर जो टाइपिंग के काम आता है. सर मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि सबसे बड़ा चैलेंज जो कोई यूज़र फेस करता है सबसे कि कंप्यूटर पे अपनी भाषा में काम करने में, कि हम कंप्यूटर पे कैसे लिखें, जो लिख रहे हैं उसको कैसे देखें, सही तरीके से डिस्प्ले हो वो, और उस चीज़ को हम अपनी ही भाषा में सहेज सकें, सेव कर सकें, सो दैट कि हम बाद में भी उसको कहीं मेल कर सकें या प्रिंट कर सकें या फिर बाद में उसमें और एड ऑन कर सकें. तो इन सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए ये हमने डेस्कटॉप टूल्स बनाए हुए हैं. इसमें यूनिकोड कंप्लायंट फॉन्ट्स भी हैं और टाइपिंग टूल भी है, लिब्रे ऑफिस सूट भी है. लिब्रे ऑफिस सूट में आपका पूरा ऑफिस इन्वायरमेंट के हिसाब से राइटर है जिसपे आप एमएस वर्ड की तरह टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी लेटर बना सकते हैं. इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इम्प्रेस टूल है, स्प्रेडशीट के लिए कैल्क टूल है, डेटाबेस बनाने के लिए बेस टूल है. तो आगे मैं बढ़ता हूँ. इंटरनेट टूल्स जो हैं उसमें यूजर्स की अपनी भाषा में लोकलाइज फायरफॉक्स ब्राउज़र है जिसकी मदद से वो इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं. यूज़र की अपनी भाषा में लोकलाइज लिब्रे ऑफ पिडगिन सॉफ्टवेयर है जो चैट सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप अपनी भाषा में चैट कर सकते हैं. ये चैलेंजिंग टास्क इस तरीके से आपने बताया, उसके अलावा भी ये होता है कि 22 भाषाएं हैं तो सारी भाषाओं के लिए करना थोड़ा कठिन होता है, मगर ये सारा कुछ किया जा चुका है. अदर यूटिलिटीज़ में जो हमारी ग्नू के सॉफ्टवेयर है वो भी यूजर्स की भाषा में लोकलाइज है 22 भाषाओं में. ये एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप दैनिक लेखा जोखा जो छोटे व्यापारी हैं वो मैनेज कर सकते हैं. इसके अलावा इंक स्पेस सॉफ्टवेयर है हमारा जो 22 भारतीय भाषाओं में लोकलाइज किया गया है. ये एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है जो पूरी आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम इसमें कर सकते हैं. हमने बच्चों का भी ध्यान रखते हुए एक टक्स प्रिंट सॉफ्टवेयर भी लोकलाइज किया हुआ है जिसमें बच्चे जो क्लास 1 से लेकर के 5th 6th तक हैं
वो ड्राइंग का काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके अलावा अपनी भारतीय भाषाओं में वेबसाइट बनाने के लिए हमने जूमला जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लोकलाइज करके सीडीज में दिया हुआ है।